चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से 36 मिनट लगता है पहुंचने के लिए रॉक गार्डन। टोटल 11 किलोमीटर है। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से रॉक गार्डन 15 मिनट लगता है पहुंचने के लिए और यहां से 17 किलोमीटर इन टोटल। आप अगर चंडीगढ़ में हो तो चंडीगढ़ से रॉक गार्डन 8 मिनट लग पहुंचने के लिए, और आपको एक लंबा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, वहाँ से राइट टर्न लेके फिर आ जाएगा आपका रॉक गार्डन। ये सिर्फ 3 किलोमीटर है चंडीगढ़ से। अगर आप चंडीगढ़ में किसी होटल में रह रहे हो तो वहाँ से ये 3 किलोमीटर होगा। ये रहा फाइनल डेस्टिनेशन रॉक गार्डन। दोस्तों तो आज हम आए हैं रॉक गार्डन में। सत्य इतना अच्छा है, व्यू आ रहा है। यहाँ पे एक ऑटो स्टैंड है जो आप यहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं घर जाने के लिए, और होटल में पास में बहुत सारे हैं, वहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। इसे नेकचंद रॉक गार्डन भी बोला जाता है। बड़ों के लिए 30 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए। ये देखिए चश्मा पहन के खड़ा है एक स्टैचू। आगे भी बहुत सारे हैं। अभी अंदर जाके देखते हैं क्या है। नेकचंद एक सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने वर्ष 1957 में अपने खाली समय में चुपचाप इस गार्डन को बनाने में बिताया था, और आज ये 40 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस गार्डन को घर में कबाड़ फेंके दिए गए सामान से बनाया गया है। छोटे छोटे मार्बल के पीसेस और टाइल्स के पीसेस से बना गया है ये वॉल, और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया है। ये वॉल टूटे हुए पाइप से बनाया गया है और ऊपर भी पत्थरों से बनाया गया है। मटके को सजाकर इसे एक वॉल बना दिया है। अभी थोड़ा अंदर चलते हैं। अभी आप नजारे के मजा लीजिए। आगे एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल का मस्त व्यू आ रहा अभी हम एक मार्बल से बना गया एक स्टेयर केस देख रहे हैं आप, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्बल और टाइल से बना गया है। यहाँ पे एक बेड के आप सिनेमा वगैरह वगैरह जो भी दिखाएंगे वहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये स्टैचू जो देख रहे हैं अभी चलता ही रहेगा।
आगे आगे बहुत सारे हैं ऐसे ही, सब पेबल से बना है, पत्थरों से बना है और बहुत ही क्रीपी लग रहे हैं देखने में। बाहर आ चुके हैं और अभी हम खाएंगे छोले कुलचे। थोड़ा अभी नारियल पानी पियेंगे, फ्रेश कोकोनट। हाथ तो इंदी करी थम्स अप पी कर खा खा, अरे तीला खा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत।